जिला प्रशासन ऊना ने बड़ा फैसला लेते हुए जिला भर में कार्यरत 6 निजी नशा निवारण केंद्रों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इन नशा निवारण केंद्रों पर यह कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा CMO डॉक्टर रमन शर्मा की अगुवाई में गठित की गई कमेटी के औचक निरीक्षण के बाद हुई है। निरीक्षण में ये पाया गया था कि नशा निवारण केंद्र में क्षमता से अधिक रोगियों को बेतरतीब तरीके से रखा जा रहा था। इतना ही नहीं, उनके लिए मुकम्मल दवाओं के भी इंतजाम नहीं किए जा रहे थे, जबकि कुछ नशा निवारण केंद्र ऐसे थे जहां पर डॉक्टरों की ही तैनाती नहीं हो पा रही थी। DC राघव शर्मा ने एक कमेटी से मिली रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी नशा निवारण केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए। वहीं 7 दिनों के भीतर इन केंद्रों में भर्ती सभी मरीजों को उनके परिजनों के सुपुर्द करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिला में नशा निवारण केंद्रों में लगातार शिकायतें आ रही थी, इसके चलते हुए हमने औचक निरीक्षण के लिए CMO साहब की अध्यक्षता में और मजिस्ट्रेट और पुलिस की सदस्यता के साथ टीमें गठित करके इंस्पेक्शन करवाए हैं। इसमें जो 6 नशा निवारण केंद्र हैं, जो 3 गगरेट उपमंडल में हैं, एक जो है अम्ब उपमंडल में और 2 संतोषगढ़ में है, इनमें कमियाँ पाई गई थी। जैसे जो पेशेंट्स थे उनका रिकॉर्ड मेनटेन नहीं पाया गया था और ओवर क्राउडिंग पाई गई थी, और साथ में जो चिकित्सक की सेवाएं वहां पर ज़रूरी हैं मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के नियमों के हिसाब से, वो नहीं पाई गई थी। इन सभी कमियों को जो है मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को इंस्पेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से भेजा गया था और उस पर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने संज्ञान लेते हुए इनको 7 दिन के अंदर अपने सेंटर क्लोज करके जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको अपने परिवारों में लौटाने की निर्देश दिए हैं। जिला के सभी जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनके लिए मानक जो है सरकार ने तय किए हैं और उन मानकों के तहत ही जो है वो उनको चला सकते हैं, और हम आगे भी जो इंस्पेक्शन की कार्रवाई है उसको सभी के लिए जारी रखेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से राजीव भनोट।